हजरत संगशा बाबा के दरबार में उसके मौके पर दावत का इंतजाम। साल की तरह हर साल भी शान शौकत के शान शौकत से 3 दिन का जश्न उर्स मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार COVID-19 होने की वजह से हम तमाम जिम्मेदार और कमेटी के हजरात ने यह तय पाया कि प्रिकॉशनरी मेजर देखते हुए हुकूमत के आदेशों पर हम चलकर ये कार्रवाई सिर्फ 1 दिन के लिए मना रहे हैं। इसलिए आज बाद नमाज असर अलम कुशाई हजब मामूल मनाई गई। इसमें हमारे शहर कोलार के वक्फ के चेयरमैन जामीनुल्लाह खान, हमारे मस्जिद शाही के कोली जनाब साबिर साहब और तमाम जिम्मेदार हजरात ने शिरकत फरमाकर हम कमेटी वालों का शुक्रिया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मौजूद हाजरीन, हम कमेटी वाले हर साल एक मीटिंग मुनाकत करके इस कार्रवाई को जश्न मनाने के लिए हर बार 2 या 3 मीटिंग कर रहे थे, तो इस बार हमने ये तय पाया कि हर साल यानी 21 शाबान के दिन संदल की कार्रवाई की जाएगी। ये नोट कर लें, क्योंकि इसके आप यहाँ पर हम बोर्ड भी डाल रहे हैं, आइंदा साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तमाम का साथ रहा तो हम 21 तारीख चांद के शाबान के 21 तारीख को संदल मनाएंगे इंशाअल्लाह। हर साल की तरह जो भी कार्रवाई 3 दिन की या 4 दिन की भी करने के हम कोशिश करेंगे। आप तमाम के तावन का भी हमना बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे सेक्रेटरी साहब बी असलम पाशा जुगनू से भी, वो भी हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं, और आज की कार्रवाई में जो आज हमने आम दावत का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हजब मामूल इस बार हमने थोड़ा डिफरेंस करके चिकन खुरमा और खुशका बनाया हुआ है। इसमें हमारे छोटे भाई इरफान साहब, अकमल साहब, फया साहब, सरदार साहब, नज़ीर साहब, मजहर साहब और बाबू साहब फयाज और तमाम सईद साहब, तमाम हमारे कमेटी वालों ने भरपूर कंधे को कंधा लगाकर हमारे कमेटी वालों का साथ दिया है, और अल्लाह से दुआ है कि आइंदा साल भी इसी तरह हम एक होकर इस हजरत संशा बाबा का उस अच्छी तरह मनाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।